दराज एप्लीकेशन बुरी नहीं है, लेकिन दराज पे कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं या उनसे अचानक एवरी हो जाते वन मीट हम एंड टेक्निकल एक्सपर्ट में। तो सर आज के वीडियो में बेसिकली हम जानने ये वाले हैं कि बेस्ट वेबसाइट शॉपिंग के लिए कौन सी अच्छी है पाकिस्तान में। सबसे पहले हम ये बात कर लें कि कौन कौन सी वेबसाइट है आपकी नज़र में और मेरी नज़र में जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है या नहीं कर रही। इन वेबसाइट में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास अमेज़ॉन, अली एक्सप्रेस, फिर अली बाबा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है दराज, फ्लिपकार्ट और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपके जहन में भी हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात ये करने वाले हैं जो वेबसाइट बेहतर भी हो और हमें रिस्पॉन्स भी उसका अच्छा मिले और उसकी डिलीवरी भी जल्दी हो और वो काबिल इत्माद भी हो। अगर इन सारों की बात करें तो इनमें से कुछ पॉइंट मिस करने के बाद हम सबसे पहले जिस नतीजे पे पहुँचते हैं वो नतीजा है अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन एक स्टैंडर्ड की वेबसाइट है, लेकिन बात स्टैंडर्ड करने के बाद ये करें कि उस वेबसाइट के ज़रिए हम चीज़ें तो खरीद सकते हैं लेकिन हमें वो एक्सपेंसिव मिलती हैं। एक्सपेंसिव के बाद वो चीज़ की क्वालिटी 100% हमें सही एक्यूरेट और जिस तरह वो पिक्चर में दिखाते हैं वही हमें अवेलेबल करते हैं। अब उनकी प्राइस अगर ज़्यादा है तो चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, अगर चीज़ की क्वालिटी अच्छी है तो वो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आने के लिए उसके शिपमेंट चार्जेस भी होंगे, उसके बाद उस पर टैक्स भी पड़ेगा, मतलब बहुत से फंडे अगर हम जमा कर लें तो जी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वजनी भारी और हमारी इस्तात से बाहर हो जाता है कि हम अमेज़ॉन से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकें। जी हाँ, अगर आप अभी तक ये नहीं जानते कि क्या आप अमेज़ॉन से वाकई कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको आई लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ से जाके ये देख सकते हैं कि आप किस तरह अमेज़ॉन से शॉपिंग कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात ये कर लेते हैं कि आप किस तरह जो है वो अली एक्सप्रेस या अली बाबा से शॉपिंग करते हैं। अब अली एक्सप्रेस और अली बाबा दोनों चाइना की वेबसाइट है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर दी है, वो यहाँ पे आ रही होगी आपको कि आप अली एक्सप्रेस के जरिए शॉपिंग किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली अली एक्सप्रेस पर जो चीज़ हमें दिखाते हैं वही अवेलेबल करते हैं, लेकिन लेकिन के बाद ये बात कर लें कि वो भी चाइना की वेबसाइट है, उसमें भी अगर हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उस पर कस्टम टैक्स पड़ेगा, कस्टम टैक्स पड़ने के बाद वो हमारे तक पहुँचेगी। अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये की है तो हमें 200 रुपये की तो लाजमी मिल जाएगी। अगर हम कस्टम टैक्स के अलावा चीज़ें खरीदते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ नहीं खरीदते, तो आई होप कि आपको डालते हैं शिपमेंट चार्ज या इसके अलावा कोई भी चार्ज वो आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो होगी शिपमेंट चार्ज की बात। अब अगर हम ये बात कर लें तो उसका डिलीवरी टाइम क्या, तो वो आपको जस्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताते हैं कि हमारा डिलीवरी जो टाइम है वो 21 दिन से लेके 40 दिन तक जा सकते हैं। अब ये 1 से 1.5 माह हमने क्या करना है भाई, अगर हमें कोई भी चीज़ अर्जेंट चाहिए तो हम किस तरह उसको अवेलेबल करेंगे, ये भी हमारी जो है वो नज़दीक के मुताबिक ये चीज़ गलत हो जाती है कि इसका डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आप वाकई अली एक्सप्रेस के जरिए कोई भी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है जो कि इसी के बारे में है कि आप अगर अली एक्सप्रेस के जरिए कोई भी चीज़ जल्दी मंगवाना चाह रहे हैं और कैश ऑन डिलीवरी मंगवाना चाह रहे हैं तो किस तरह मंगवा सकते हैं। आई होप कि वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी वीडियो, आप उसको लाजमी बात कीजिएगा। उसके बाद ये तीनों को छोड़ने के बाद हमारे पास आ जाती है हमारी अपनी दराज। ये बात कर लें कि ये भी हमारी अपनी नहीं है, ये भी दूसरे मुल्क की, लेकिन ये हमारे मुल्क में प्रोफेशनल काम कर रही है। दराज एप्लीकेशन बुरी नहीं है, लेकिन दराज पे कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं या उनसे अचानक हो जाती हैं, अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, अब अगर ये बात कर लें कि आपको दराज से क्या बिल्कुल ही और वाकई अच्छी चीज़ मिल सकती है, तो अगर आप दराज के ऑफिशियली पेज पे जाके कोई भी चीज़ बाय करें तो जी हाँ सर, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपको वो चीज़ करेक्ट और सही मिलेगी। उसके बाद उसके प्राइस भी मुनासिब होगी, उसकी जो क्वालिटी वो भी अच्छी होगी, और उसके अलावा अगर आप उसमें कोई भी और चीज़ें देखना चाह रहे हैं और अगर आप अभी तक ये नहीं पता कि आप दराज के जरिए शॉपिंग किस तरह, एक आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके ये भी मालूम कर सकते हैं कि आप दराज से शॉपिंग किस तरह कर सकते हैं, शॉपिंग जाने के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है मद्देनजर रखनी चाहिए और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है वो आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं। तो ये थी कुछ वेबसाइट्स जो कि हमारे पाकिस्तान में काम कर रही हैं और पाकिस्तान में काम करने के बाद जो प्रोफेशनली काम कर रही है वो है दराज। अब दराज जो प्रोफेशनली काम करने के बाद हम ये जान लें कि जो करेक्ट चीज़ और सही चीज़ हम मंगवाना चाह रहे हैं क्या वो दराज से मिलेगी, तो वो भी बता दें कि जी हाँ वो आपको मेन जो है उसका स्टोर उससे मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली हो। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। और क्या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।